बजट आने के बाद मौजूद है उन किसानों के बीच में जिनके लिए लगातार सरकार ये कहती रही है कि बजट किसानों के लिए है। जी हाँ, बजट आने से पहले भी यही बात हो रही थी कि इस बार बजट जो आएगा वो किसानों को सोच कर आएगा, और बजट आने के बाद भी यही बात कही जा रही है कि ये बजट किसानों के लिए है। तमाम तरीके की घोषणाएं की गई हैं, तमाम तरीके की बातें की गई हैं, साल 2022 तक बहुत सारी चीजें सुधारने की किसानों के लिए कोशिश की गई है, लेकिन ये सब संभव कैसे होगा ये एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। हालांकि हमारे साथ तमाम वो लोग मौजूद हैं जिनके लिए सरकार हमेशा से कहती रही है कि ये बजट उनके लिए है। आइए जरा किसानों से ही जाने कि क्या वो मोदी जी के या वित्त मंत्री साहब अरुण जेटली जी के बजट से संतुष्ट हैं कि नहीं। आइए, ऐसा है कि आज बजट आ चुका है और जिस तरीके से लगातार मोदी जी भी कहते रहे हैं, वित्त मंत्री की तरफ से ये बात होती रही है कि ये बजट जो है वो किसानों के लिए है, बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने बात भी की है आज बजट के दौरान भी, आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये बजट जिस तरीके से किसानों की बात हो रही है क्या उस लक्ष्य तक पहुँच पाएगी सरकार जिस तरीके की बातें इस वक्त कही जा रही है, आप लोगों की क्या राय? देखिए, आज़ाद भारत से किसानों को धोखा दिया गया, तमाम सरकारें आईं जी, किसानों को ये उम्मीद थी कि शायद इस बजट में मोदी जी लास्ट बजट होगा इनका, किसानों को कुछ राहत देंगे और किसान का ना जाने भला होगा, लेकिन बजट बिल्कुल नकारा है जी। किसान, तमाम भारत के किसान इस बजट की भर्त्सना करते हैं जी। और सभी इस बजट के खिलाफ हैं। हमको ये उम्मीद थी कि शायद स्वामीनाथन आयोग का न जाने गठन जाते समय मोदी जी कर जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। GST के दायरे में पेट्रोल को लाने के लिए, डीजल को लाने के लिए किसानों को उम्मीद थी कि शायद GST के दायरे में पेट्रोल डीजल को लाके किसानों को कुछ राहत दी जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। किसान, पूरे देश का किसान स्तंभ बेहाल है। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका भी कहना है कि पेट्रोल को लेकर सवाल लगातार उठ रहे थे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर किसान बहुत परेशान थे, उनकी फसल अगर हो जाती है तो वो कैसे वहाँ तक पहुँचाएँ वो उनके लिए बड़ी समस्या थी, इसलिए भी परेशानी थी। जिस तरीके से इस बार का बजट आया है, मोदी जी लगातार इस तरीके की बातें कहते रहे हैं कि ये बजट किसानों के लिए है, ये बजट किसानों का बजट है, तमाम बातें किसानों के लिए की जाती रही हैं। 4 साल लगभग बीत चुके हैं मोदी सरकार को, क्या लग रहा है कुछ इस तरीके का काम हुआ है जो कि 2022 तक का लक्ष्य है वो पूरा हो पाएगा? किसान के लिए जो बजट इन्होंने निकाला बिल्कुल बकवास निकाला है। इन लोगों को 2022 के चुनाव में भी पता चल जाएगी, 2019 के चुनाव में पता चल जाएगी। 2014 में मोदी जी ने खुद मंच पर भाषण में अपने में कहा था कि हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं जिससे किसान की आय दुगनी हो, आज तक कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ। आज फिर किसान के लिए फिर मोदी जी बोलते हैं कि हम अगले 2022 तक तैयार कर देंगे, 2014 में भी बोला था कि 2019 तक तैयार कर देंगे, अब आज की तारीख में बोल रहे हैं कि 2022 तक फिर आगे चल आने वाले समय में हम रोड मैप ऐसा तैयार करेंगे जिससे किसान की आमदनी दुगनी हो, परंतु ऐसा कोई भी कदम आज तक सरकार के द्वारा नहीं उठाया गया है। और दूसरी चीज़ मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो जमाखोरी है, ये जो बिचौलिए लगे हुए हैं, जब किसी भी फसल की पैदा होती है तो उसके जो रेट होते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रेट होते हैं, और जमाखोर जब उस कोटे को अपने को पूरा कर लेते हैं उसके बाद उसके रेट आसमान छू जाते हैं। आपने कितनी बार देखा, किसानों को नहीं मिलता उस चीज का पैसा, कोई व्यवस्था नहीं है। अभी आप देखिए कि डीजल का रेट इतनी तेजी से आगे बढ़ा है, जो भी खरपतवारें हैं उनके रेट, जो कीटनाशक दवाइयां हैं, जो DAP है, जो यूरिया है, उसके रेट इतने ज़्यादा आसमान छू रहे हैं, परंतु जो मूल्य है, जो इनका सरकारी जो रेट निकलता है गेहूं का, धान का, उस रेट में कोई इजाफा नहीं हुआ है। उसके मुकाबले में महंगाई कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और उस बीच में जो फायदा होता है वो जमाखोर उठा लेते हैं। सरकार से हमारी, किसानों की ये अपील है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जो जमाखोर बीच में आते हैं उनको साइड करके जो पूरा उसका फसल का जो लाभ है वो किसान को ही मिलना चाहिए। दूसरा, जो अभी बिजली की जो बड़ी हुई दरें हैं, PM मोदी हमेशा से कि ये बजट हम लेकर आएंगे, हम गांवों के लिए, किसानों के लिए काम करेंगे, लेकिन आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि बजट के आने के बाद कोई भी किसान, जिसकी बात कही जा रही थी, वो संतुष्ट नहीं नजर आ रहा है। सब्सिडी को लेकर हमेशा से चर्चा हुई है, आज वित्त मंत्री खुद सदन में ये बोलते नजर आए कि सिंचाई की ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि गांव गांव तक चीजें पहुंचे और हर एक शख्स तक, हर एक किसान तक पूरी तरह से जल की व्यवस्था हो। आप लोगों को क्या लग रहा है पिछले 4 सालों में जिस तरीके की सिंचाई को लेकर या सब्सिडी को लेकर बातचीत होती रही है, कितना जैसा कि
वित्त मंत्री जी ने कहा है सिंचाई की एक व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये असलियत है कि सिंचाई की जो व्यवस्था होती है वो कागजों में ही होकर रह जाती है। जो बजट सिंचाई के लिए, नहरों को सफाईकरण के लिए जो एक अभियान चलाया जाता है, जो उसमें बजट पास होता है, वो पैसा सारा कागजों में ही रह जाता है, कागजों में ही सफाई होती है, मौके पे किसी की कोई सफाई नहीं होती है। दूसरा, बिजली के रूप में जो सिंचाई व्यवस्था हम लोगों की है, अपने पर्सनल जो अपने ट्यूबवेल है, बोरवेल है, उनसे हम जो अपनी सिंचाई की व्यवस्था करते हैं, उसको लेकर भी अभी बिजली के इतनी, जैसे ही ये पीछे चुनाव हुआ उसके तुरंत बाद ही बिजली की दरें बढ़ा दी गई। तो अगर बिजली की दरें बढ़ रही हैं तो उस पर भी किसान पे फर्क पड़ रहा सीधे सीधे। और ये जो आप कह रहे हैं सिंचाई व्यवस्था बिल्कुल, आप इस चीज़ में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसको जड़ तक खोजिए। ये जो सफाई अभियान है नहरों का, वो कागजों में ही रह के सिमट जाता है, मौके पे कुछ नहीं होता। आप चाहें तो मैं आपके साथ चलने के लिए अभी तैयार हूँ। यहाँ 5 किलोमीटर दूरी पे नहर है, उसकी हालत देखकर आपको पता चल जाएगी। पता नहीं कितने दिन से उस नहर की सफाई नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से किसान परेशान है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि पिछले 4 सालों में किसानों के लिए काम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के मंच पर भी बातचीत की जाती है वहाँ लगातार यही कहा जाता है कि सरकार ने किसानों के लिए बहुत काम किया है। और अगर काम हुआ है तो वो कहाँ है? जिस तरीके से लगातार इन लोगों का भी कहना है कि काम तो जरूर हुआ है सरकार की नज़र में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजों पर हुआ है, इन तक ये चीज़ें नहीं पहुँची है। सब्सिडी को लेकर कई बार सरकारें इस तरीके की बातें कहती रही हैं कि हम जो है सब्सिडी देंगे और किसानों तक वो सब्सिडी इस तरीके से पहुँचे। इस बार जो बजट आया उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं दिख रहा, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि ये जो मोदी सरकार है किसान विरोधी रही है। इसने हमेशा से ही जो है या तो उद्योगपतियों का पक्ष लिया है या जो बिजनेसमैन है उनका पक्ष लिया है। बाकी हम ये बिल्कुल स्पष्ट अपने नज़रिए से भी और औरों के नज़रिए से भी ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ये बिल्कुल किसान विरोधी है, ना तो बजट में कुछ है और बजट तो बिल्कुल ही नहायत किसान विरोधी है। और रही बात, अभी हमारे जो सीनियर यहाँ किसान नेता थे उन्होंने जो बताया कि भाई बिजली की दरें जो बढ़ गई हैं, वाकई में अगर मोदी जी ये चाहते हैं कि भाई हम किसानों की आमदन दूनी कर दें तो ये बिजली फ्री कर दें, और जो हमारे ज़्यादातर व्हीकल जो है डीजल से चलते हैं, डीजल का बिल्कुल ही भाव इस तरह कंट्रोल होना चाहिए, या तो किसानों को विशेषकर किसानों को सब्सिडी दी जाए कि ताकि हम अपने जो है सारे संसाधन जो हमारे डीजल से चलते हैं उनसे हमें रिलीफ मिले। बिल्कुल। और रही बात, मैं थोड़ी सी एक बात और कहनी चाहूँगा, मैं गौतम बुद्ध नगर से आता हूँ, ये भूमि अधिग्रहण क्षेत्र है, यहाँ हमारा किसानों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है। ना तो हमें जो सरकार द्वारा भी शासनादेश हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग भी हमें जो हमारा 64% मुआवजा बनता है उसका भी आज तक हमें भुगतान नहीं हो रहा। तरह तरह से हम लोगों का शोषण है, जाते हैं प्राधिकरण में वहाँ भी वो लोग हमारे विरोध में ही बैठे हैं, चाहे वो मानसिकता मोदी जी की रही हो या योगी जी की रही हो। बिल्कुल, जिस तरीके से किसानों की नाराजगी और गुस्सा आप देख पा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि जिस तरीके की बातें हमेशा से कही जाती रही हैं शायद वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, तभी ये तबका नाराज है, तभी अन्नदाता नाराज है। बजट को लेकर जितनी इच्छा थी कि सरकार ने लगातार जिस तरीके से बातें की थी, कितने संतुष्ट ये लोग हैं या संतुष्ट हैं भी कि नहीं, ये जानना बेहद जरूरी होगा। देखिए, बजट से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, बजट से देश का किसान बहुत नाराज है, क्योंकि बजट में ऐसी कोई बात मोदी जी या वित्त मंत्री जी की तरफ से नहीं हुई है जो किसानों के हित के लिए हुई है। देश का किसान की स्थिति इतनी ख़राब है आज कि आत्महत्या करने पर मजबूर है किसान। आलू का किसान हो, गन्ने का किसान हो, या और पैदावार का किसान हो, कोई भी किसान हो, उसको उसकी जो लागत मूल्य है उसका भी मूल्य नहीं मिल रहा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई कि जिस तरीके से आप लोगों की परेशानियां हैं इस वक्त। अगर हम बात करें कि फसल उगने के बाद की जो बिचौलिए से लेकर और बाजार तक पहुंचाने की बात है, उसमें किस तरीके की परेशानियां लगातार आप लोग झेलते रहे हैं, वो भी अगर बात पहुंचे तो। बिल्कुल, जब हमारे यहाँ पे पिछली बार जब 2017 में योगी सरकार बनी थी यहाँ पे, तो ये हुआ था और मीडिया के द्वारा कहा गया था कि बिचौलियों का बिल्कुल भी इसमें रोल नहीं होगा, लेकिन जब किसानों को मंडियों में फसल अपना ले जाने का मौका मिला तो वहाँ भी बिचौलियों की पूरी भरमार थी और किसान को बिल्कुल शोषण किया गया। जो सरकार कहती है वो बिल्कुल
नहीं किया जाता। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि बजट आने के बाद पंचायती टाइम सबसे पहले उन लोगों के बीच में पहुंचा है जिनके लिए ये बजट की बात कही जा रही थी कि ये बजट उनके लिए है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई भी संतुष्टि नजर नहीं आ रही किसानों के लिए। हालांकि मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती ये भी होगी क्योंकि ये पूर्ण बजट उनकी सरकार का अंतिम बजट था और अब 2019 में उन्हें फिर से चुनाव में जाना है और ये वही लोग हैं जो कि 2014 में उन्हें जिता कर लेकर आए थे, लेकिन अगर यही स्थिति रही तो शायद जमीन बड़ी हल्की नजर आएगी 2019 में। पंचायती टाइम्स के लिए प्रतीक्षा पांडे।